हेलो स्टूडेंट्स, ओ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इट्स अमिता मैम हियर विद टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 7th इन यस्टरडेज लेक्चर. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द गेम क्रिकेट विद इट्स हिस्ट्री. अगर बेटा हम क्रिकेट गेम की बात करें तो आपको पता है कि आपकी चैप्टर नंबर 7 में 3 गेम्स हैं प्लस एथलेटिक पोर्शन है. तो अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हम हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक के अंदर पहले हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर रूल्स को, देन फंडामेंटल स्किल्स, डायग्राम एंड डिफरेंट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज को. तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पे रहेगा. अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आपको पता है क्रिकेट एक फेमस गेम है जिसको हम सब पीपल क्या करते हैं, व्यू भी करते हैं और मोस्टली पीपल क्या करते हैं, इसको प्ले भी करते हैं एट इट्स ऑन लेवल पे. बट अगर हम बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें हिस्ट्री की, तो वो हमें क्या डिफाइन करती है. क्रिकेट इज़ अ मॉडर्न बॉल गेम स्टार्टेड बाई ब्रिटिशर्स इन द 13th century AD. जो क्रिकेट गेम थी वो एक मॉडर्न बॉल गेम थी जिसको किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था इन द 13th century में. इट स्टार्टेड एज अ गेम ऑफ शेफर्ड. ये जब इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी तो ये सिर्फ किसकी गेम्स थी, शेफर्ड्स की, एंड बिकेम पॉपुलर अमंग अदर क्लासेज ऑफ इंग्लैंड इन द 18th century AD. बट जैसे जैसे इस गेम को क्या करते गए, पीपल खेलते गए, तो फिर ये क्या हुई, अदर क्लासेज ऑफ द इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में भी क्या होना स्टार्ट होगी, ये पॉपुलर होना स्टार्ट होगी. बट कौन सी सेंचुरी के अंदर, 18th century के अंदर. इन 1760 अ क्लब वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड टू फ्रेम द रूल्स ऑफ दिस गेम. जब ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया उसके बाद में इसको पॉपुलरिटी मिली इंग्लैंड से, तो फिर उसके बाद में 1760 में एक क्लब फॉर्म हुआ. कहाँ पर हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें क्रिकेट गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम हुए. आफ्टर सम टाइम अ क्लब नोन एज मैरीबोन क्रिकेट क्लब और MCC वॉज फॉर्म्ड एट लॉट इन लंडन. जब इंग्लैंड ने एक क्लब फॉर्म किया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हुए, आफ्टर देन क्या हुआ, उस एक क्लब और फॉर्म्ड हुआ जिसका क्या नाम था, मैरीबोन क्रिकेट क्लब, जिसको हम क्या बोलते हैं, MCC. ये कहाँ पर फॉर्म्ड हुआ था, इंग्लैंड में, और इसको किसने फॉर्म किया था, ये जगह का नाम है जहाँ पर ये फॉर्म्ड हुआ थी, एट लॉर्ड्स. लॉर्ड्स में ये फॉर्म्ड हुआ था जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में है. विद द पासेज ऑफ टाइम दिस क्लब गेन इन पॉपुलरिटी एंड बिकेम द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द गेम. जैसे जैसे आप ये बोल सकते हो क्रिकेट पॉपुलर हुई, जैसे जैसे लोगों ने इसको ज़्यादा खेलना स्टार्ट किया, इस गेम ने पॉपुलरिटी गेन करना स्टार्ट की, तो उसके बाद में जो ये मैरीबोन क्रिकेट क्लब था इसने क्या किया, पॉपुलरिटी गेन करना स्टार्ट कर दी, और हम ये बोल सकते हैं ये क्या बन गया, कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द गेम. Not only in England but in other countries also. और जब ये popular हुआ, जब ये controlling body बना, सिर्फ ये England के अंदर ही controlling body नहीं बना था, हम ये बोल सकते हैं different different countries इसको खेलना start किया और different different countries का भी ये क्या बन गया, controlling part बन गया. Where the game of cricket is played, जहाँ जहाँ पर cricket की game played होती थी वहाँ वहाँ पर इस club ने क्या की, popularity gain करना start कर दी. क्रिकेट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश रॉयल्टी. और अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो जो क्रिकेट है उसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश रॉयल्टी ने. प्रेस कम्युनिटी ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट टू टेक अप द गेम इन 1848. और इसके बाद में जब ब्रिटिश रॉयल्टी ने इसको इंडिया में स्टार्ट किया, तो फिर एक पारसी कम्युनिटी बनी जो कहाँ की थी, इंडिया की थी. उन्होंने फर्स्ट टाइम इस गेम को क्या किया था, टेकअप किया था, और किस ईयर में किया था, 1848 में. बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद ब्रिटिश पीपल. क्यों पारसी कम्युनिटी ने ही इसको टेकअप किया, क्योंकि उनकी जो एसोसिएशन थी वो किसके साथ, आप ये बोल सकते हो ग्रुपिज्म में थी, ब्रिटिश पीपल्स के साथ. इसलिए जो पारसी कम्युनिटी थी उसने इस गेम को 1848 में टेकअप किया. दे फॉर्म्ड क्लब एंड प्ले क्रिकेट मैचेस विद देम. इन्होंने क्या किया, एक क्लब फॉर्म किया और उसके बाद में इन्होंने क्रिकेट को, क्रिकेट के रिलेटेड जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मैचेस थे उसको प्ले करना स्टार्ट किया विद द ब्रिटिशर्स के.
स्लोली क्रिकेट बिकेम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज ऑफ इंडिया. उसके बाद में स्लोली स्लोली क्या हुआ, जो क्रिकेट थी वो पॉपुलर बनना स्टार्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया की, जैसे आपकी दिल्ली होगी, चेन्नई होगी, कोलकाता, कानपुर, हैदराबाद एंड बेंगलोर एक्स्ट्रा. तो इन सब सिटीज़ में क्या हुई, क्रिकेट पॉपुलर होना स्टार्ट होगी और पीपल इसको खेलना स्टार्ट कर गए. हैव बिकम पॉपुलर सेंटर ऑफ क्रिकेट्स. और ये जो सिटीज़ हैं ये क्या बन गई, पॉपुलर सेंटर्स बन गए. किसके रिलेटेड, क्रिकेट गेम के रिलेटेड. हाउएवर मुंबई इज़ कंसिडर टू बी द होम ऑफ क्रिकेट एंड हैज़ प्रोड्यूस मैनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. इसके बाद में जो मुंबई थी वो क्या बन गई, होम ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर्स निकल के बाहर आए. और जैसे आपके प्लेयर्स लाइक विजय मर्चेंट, विजय हॉर्जिया, पॉली यूनिक, सुनील गवास्कर एंड सचिन तेंदुलकर, तो ये सारे क्या थे, पॉपुलर प्लेयर्स थे. और ये बेसिकली इनकी जो बैकग्राउंड थी ये कहाँ की थी, मुंबई की थी, इसलिए हम मुंबई को क्या बोलते हैं, होम ऑफ द क्रिकेट. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो हम ये बोलेंगे इन दिल्ली रोशाना क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्मड इन 1920. दिल्ली में एक और क्लब बना किसके रिलेटेड, क्रिकेट के रिलेटेड, और उसका नाम क्या था, रोशाना क्रिकेट क्लब, जो कब बना था, इन 1920 में. द महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम एंड राजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला वर ग्रेट एडमायर्स एंड प्रमोटर्स ऑफ क्रिकेट. इन्होंने बोला है जो महाराज कुमार था कहाँ का, विजयनगरम का, और राजा भूपिंदर जो पटियाला के थे वो क्या बन गए, ग्रेट एडमायर्स बन गए. उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, क्रिकेट को प्रमोट करना स्टार्ट किया. राजा भूपिंदर सिंह डोनेटेड द रणजी ट्रॉफी इन 1934 फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट. और इसी के साथ राजा भूपिंदर सिंह ने क्या किया, डोनेटेड की रणजी ट्रॉफी को. किस ईयर में, फर्स्ट टाइम 1934 में की थी, और किसके रिगार्डिंग की, जो पर्सन्स क्या करते थे नेशनल लेवल पे क्रिकेट की चैम्पियनशिप को खेलते थे. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वॉज फॉर्मड इन 1927. और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको आप BCI बोलते हो, वो कब फॉर्मड हुआ था क्रिकेट के रिलेटेड, 1927 में. तो हम ये बोल सकते हैं एक पारसी क्लब था, एक रोशाना क्रिकेट क्लब था जो दिल्ली में फॉर्मड हुआ था, उसके बाद में मैरीब्लोन क्रिकेट क्लब था जो ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया था और इंग्लैंड में हुआ था. ये कुछ क्लब्स फॉर्मड हुए थे जिन्होंने क्या किया, पॉपुलरिटी गेन करवाई है और रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम किया है क्रिकेट के रिगार्डिंग. तो बेटा ये थी आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिकेट, बेसिकली क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, और किसने इसके रूल्स को फ्रेम किया था, कौन कौन से क्लब्स हैं और कौन कौन से ईयर में ये फॉर्म्ड हुए हैं. आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम रूल्स ऑफ क्रिकेट को डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.